हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कीर्ति दीक्षित, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आइए हम समझते हैं। थ्योरीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ आर दी फॉलोइंग। हमारी 8 टाइप की थ्योरीज है, द पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, फिलेंथ्रॉपिक थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी और सोशल थ्योरी। इसमें एग्जाम में इनके थ्योरीज से क्वेश्चन आता है, हमें थ्योरीज को आइडेंटिफाई करना है, मैच ऑफ दी फॉलोइंग भी आता है। तो आइए हम वन बाई वन थ्योरीज को समझ लेते हैं। पहला है द पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी, द एजम्पशन ऑन विच द थ्योरी इज बेस्ड, विदाउट कंपल्सन सुपरविजन एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, नो एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड इवन द बैरेस्ट मिनिमम ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स। ये थ्योरी ये बताती है कि बिना किसी कंपल्सन के, सुपरविजन के या फियर ऑफ पनिशमेंट के, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी भी मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना नहीं चाहता है। According to this theory, owner and manager of industrial undertaking get many opportunities for this kind of exploitation. इस theory के according, owners और managers होते हैं किसी भी industrial organization के, उनके पास कई opportunities ऐसी होती हैं कि वो employees का exploitation कर सकें। The welfare state has to prevent this kind of exploitation. Welfare state, जो भी state है, उनको अपनी ऐसी policies बनानी होंगी जिससे कि वो इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट कर सके, एंड कोर्स द इंडस्ट्रियलिस्ट टू ऑफर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर टू देयर वर्कर्स। और जो भी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक फोर्स करें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करें कि उनको इतनी मिनिमम स्टैंडर्ड वेलफेयर प्रोवाइड करने ही हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी बताती है। रिलीजियस थ्योरी, इस थ्योरी में जो कीवर्ड हैं आपको ये याद रखने हैं कि विदाउट कंपल्सन सुपरविज़न एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये कीवर्ड आपको इस थ्योरी में याद रखना है। एक्सप्लॉयटेशन, ये भी इस थ्योरी में आता है, तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, इससे आपको ये थ्योरी याद रहेगी। अब हम बात करेंगे रिलीजियस थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनी गुड वर्क इज़ कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। ये थ्योरी बताती है कि कोई भी अगर अच्छा काम किया जाए तो उसको एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मींस अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा। ये थ्योरी इस बारे में बताती है। इन दिस केस बोथ बेनिफैक्टर एंड द बेनिफिशियरी आर रिवॉर्डेड। इस केस में क्या होगा कि जो बेनिफैक्टर है, जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, और जो बेनिफिशरी है जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दोनों को ही रिवॉर्डेड फीलिंग आती है कि हाँ, एम्प्लॉयर को लगता है कि हाँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज को भी एक फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है। मैनी ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ। बहुत से इंडिया में चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो कि इस बिलीफ पे काम करते हैं कि हाँ, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा। Another aspect of religious theory is the atonement. दूसरा aspect इस theory का है atonement या punishment. लोगों को लगेगा कि हाँ, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, some people take up welfare work in a spirit of atonement for their sins. कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, हमने कुछ कर्म, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तो उसके प्रायश्चित के लिए वो अच्छा काम करते हैं। तो ये थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, दो एस्पेक्ट पे काम करती है, इन्वेस्टमेंट और एटोनमेंट। ये दोनों ही आपको कीवर्ड याद रखने हैं। फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, फिलोस का मीनिंग है लव ऑफ, एंड एंथ्रोपीज का मतलब है मैन। सो फिलेंथ्रोपिक मीन्स लविंग मैनकाइंड, जो कि लोगों से प्यार करने वाला, लोगों से अफेक्शन रखने वाला। दिस थ्योरी रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस, क्रिचर्स एंड कैंटीन्स फॉर वर्कर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्रिचर्स प्रोवाइड करते हैं और कैंटीन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही कुछ एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो फिलेंथ्रोपिक थ्योरी से रिलेटेड है कि उनको एक अच्छा काम करना पसंद होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं ऐसे एम्प्लॉयर। द
ट्रस्टीशिप थ्योरी या फिर उसको हम पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉयर होल्ड्स द टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट प्रॉपर्टीज एंड प्रॉफिट्स। ये थ्योरी बताती है कि जो भी एम्प्लॉयर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास पूरा उनका इंडस्ट्रियल स्टेट है, प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉफिट्स है, और वो इन प्रॉपर्टीज़ या प्रॉफिट्स को अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं और सोसाइटी के लिए यूज़ करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्कर्स आर लाइक माइनर्स। वर्कर्स क्या है, माइनर्स की तरह हैं, एक बच्चे की तरह हैं। दे आर इग्नोरेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। वो क्या है, उनके पास एजुकेशन की कमी है और वो अपने जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, जो भी उनका अपने हित के बारे में वो नहीं सोच सकते, वो एक माइनर्स की तरह उनको लिया जाता है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उनको एक पेरेंट की तरह उनकी केयर करता है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। द प्लेकेटिंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाइमली एंड पीरियडिकल एक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर कैन अपीज द वर्कर्स। ये थ्योरी बताती कि अगर हम टाइमली ये और अपने निश्चित एक अंतराल पे अगर हम एम्प्लॉयज़ को उनकी वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे। लेबर ग्रुप्स आर बिकमिंग मोर मिलिटेंट एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस देन एवर बिफोर। अब जो लेबर ग्रुप हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनको अपने जो भी उनके अधिकार हैं, विशेषाधिकार, उनको उन सब के बारे में उनको ज्ञान है वर्कर्स को। देयर डिमांड फॉर हायर वेजेस एंड बेटर स्टैंडर्ड कैन नॉट बी, उनकी जो भी डिमांड है अच्छी वेजेस के लिए और अच्छे स्टैंडर्ड के लिए, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारे क्या क्या हमें राइट्स हैं, हमारे प्रिविलेजेस क्या हैं। तो ये थ्योरी बताती कि अगर हम उनको अच्छे टाइमली पेमेंट देते रहेंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, वो अपने क्या कहते हैं उसको मिलिटेंट नहीं होंगे वो। तो ये थ्योरी इस बारे में बताती है। पब्लिक रिलेशन थ्योरी, दिस थ्योरी प्रोवाइड द बेसिस फॉर एन एटमॉस्फेयर ऑफ गुडविल। इस थ्योरी का जो कीवर्ड है वो है गुडविल, गुडविल आपको ध्यान रखना है। पब्लिक रिलेशन थ्योरी बताती है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छे फैसिलिटीज़ देंगे, तो उससे हमारी जो गुडविल है वो वर्कर्स और मैनेजमेंट में तो बनेगी ही, ऑल्सो बिटवीन मैनेजमेंट एंड द पब्लिक, और हमारी जो गुडविल है वो पब्लिक में भी अच्छी बनेगी कि हाँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारी एक अच्छी इमेज पब्लिक में भी अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी ये बताती कि हमें क्यों एक वेलफेयर फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हमारी इमेज जो है वो लेबर में भी बनी रहे और ऑल्सो फॉर पब्लिक। लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स अंडर दिस थ्योरी वर्क एज ए सॉर्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक तरह के एडवर्टाइजमेंट भी है हमारे लिए, और जो कि हमारी हेल्प करता है पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए। नेक्स्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एफिशियंसी थ्योरी, इसको एफिशियंसी थ्योरी भी कहते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय टेक्स गुड केयर ऑफ हिज वर्कर्स, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ अपने वर्कर्स की अच्छी देखभाल करता है, दे विल टेंड टू बिकम मोर एफिशियंट। तो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशियंट हो जाते हैं एंड देयर वाई दे स्टेप अप प्रोडक्शन, और अगर वो ज़्यादा एफिशियंट होंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो फंक्शनल थ्योरी ये बताती है कि अगर एम्प्लॉयर अच्छी देखभाल करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, तो वर्कर्स भी एफिशिएंटली काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो एफिशिएंसी थ्योरी, इसमें कीवर्ड है एफिशिएंट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सोशल थ्योरी, दिस थ्योरी बिलीव्स इन वेलबींग ऑफ द सोसाइटी विद द एम्प्लॉयज़। ये थ्योरी बिलीव करती है कि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ सोसाइटी का भी एक वेलविंग होना चाहिए, उनको भी अपने ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू द सोसाइटी आर टू बी एस्टेब्लिश्ड विद दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सोसाइटी के साथ भी हमारे ऐसे प्रोविजंस हम लेके आएँ वेलफेयर के कि सोसाइटी को भी उससे फ़ायदा मिल सके।
Therefore, this theory result in enhancing the condition of the society, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी की कंडीशन है वो इन्हेंस हो सके, अच्छी हो सके। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमें एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हमें पूरी इंटायर सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने वेलफेयर प्रोविजंस बनाने चाहिए। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ कैपिटल टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन एन अनफेयर मैनर। तो मैंने आपको बताया था कीवर्ड क्या था, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट किस में था, पॉलिस थ्योरी में। तो दिस कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इज द फिलॉसफी ऑफ विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। कौन सी थ्योरी की फिलॉसफी है ये, पॉलिसिंग थ्योरी की। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कीवर्ड्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद रहेगी कौन सी थ्योरी है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, आंसर इज सी। तो गाइस ये थी हमारी थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।